हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार अड्डा स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंतर्गत आने वाले टॉपिक बैंकिंग एंड रेमिटेंस के बारे में आज हम लोग जानेंगे। और इस छोटी सी वीडियो में से कम 2 से 3 प्रश्न आने की संभावना है, क्योंकि कुछ अच्छी चीज़ों को ही इस वीडियो में हम लोगों ने कलेक्ट किया है। तो सबसे पहले जानते हैं कि मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड फॉर एन अकाउंट, यानी कि किसी भी खाते को खोलने के लिए मिनिमम कितने राशि की ज़रूरत होगी। और यहाँ से प्रश्न लास्ट ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो पीए का हो, पोस्टमैन का या एमडीएस का एग्ज़ाम हो। तो वेरियस एग्ज़ाम्स में, अलग अलग एग्ज़ाम्स में 1 से 2 प्रश्न पूछे गए हैं और मिनिमम बैलेंस से प्रश्न हर बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले जाते हैं, आरडी अकाउंट को मिनिमम 100 रुपये से ओपन कर सकते हैं, और अगर किसी को एसएससी अकाउंट ओपन करवाना है तो मिनिमम 250 रुपये की राशि से इस अकाउंट को खोल सकते हैं। अगर कोई पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहता है तो मिनिमम 500 रुपये से इस अकाउंट को खोल सकते हैं। वहीं अगर कोई पीपीएफ अकाउंट खुलवाना चाहता है तो मिनिमम 500 रुपये से इस अकाउंट को खोल सकते हैं। और इस वीडियो को थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से बढ़ाया हुआ है। सबसे पहले आरडी में सबसे कम रुपए से खोला जाता है, इसलिए आरडी को सबसे पहले रखा गया है। उसके बाद में एसएससी को 250 रुपये से खोल सकते हैं, इसको दूसरे नंबर पर रखा गया है। पीओएसए, पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट, और पीपीएफ को एक साथ रखा गया है, क्योंकि दोनों को 500 रुपये से खोल सकते हैं। और नेक्स्ट एमआईएस, एससीएसएस, केवीपी, एनएससी और टीडी, यानी कि मंथली इनकम स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, किसान विकास पत्र और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, टाइम डिपॉजिट। इन सभी अकाउंट्स में अगर किसी को अकाउंट खुलवाना है इन स्कीम्स में, तो इन स्कीम्स के जो अकाउंट है वो मिनिमम 1000 रुपये से ही खोले जाते हैं। तो सबके लिए कॉमन है 1000 रुपये, और थोड़ा सा अलग अलग कहाँ पर है, अलग थोड़ा सा यहाँ पर है। पीओएसए, पीपीएफ 500 रुपये से, आरडी 100 रुपये से, और एसएसए 250 रुपये से। तो यहाँ से भी प्रश्न लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, पीए एग्ज़ाम, एमटीएस एग्ज़ाम, पोस्टमैन एग्ज़ाम्स और अन्य एग्ज़ाम्स में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और दूसरा टॉपिक है इनकैशमेंट ऑफ एन अकाउंट बिफोर मैच्योरिटी। अगर किसी को मैच्योरिटी से पहले अपना पैसा लेना है तो वो कितने समय बाद ले सकते हैं। और यहाँ से भी जो प्रश्न है वो पीए एग्ज़ाम, एमटीएस एग्ज़ाम और पोस्टमैन के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले जानते हैं पीओएसए अकाउंट और एससीएसएस अकाउंट, यानी कि पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स के अकाउंट को खाता खुलवाने के बाद कभी भी इनको बंद करवा सकते हैं। इनके लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, इनको खाता खुलवाने के बाद कभी भी हम क्लोज करवा सकते हैं, यानी कि मैच्योरिटी से पहले इनमें से पैसा निकाल सकते हैं। टाइम डिपोजिट स्कीम के तहत अगर कोई खाता खोला है तो उसे मिनिमम 6 मंथ्स के बाद में, खाता खुलने के 6 मंथ्स के बाद में अगर चाहे तो कोई मैच्योरिटी से पहले इसका अमाउंट ले सकता है। वहीं मंथली इनकम स्कीम में अगर किसी ने अकाउंट खुलवाया है तो मैच्योरिटी से पहले और अकाउंट ओपन होने के 1 साल बाद इस खाते को पैसा ले सकते हैं। अगर कोई किसान विकास पत्र लेना चाहता है तो खाता खुलवाने के 2 वर्ष प्लस हाफ ईयर, यानी कि लगभग 2.5 साल बाद, लगभग 2 साल 6 महीने बाद केवीपी अकाउंट को मैच्योरिटी से पहले क्लोज करवाया जा सकता है। वहीं आरडी अकाउंट को 36 मंथ या कहें 3 साल बाद, खाता खुलवाने के 3 साल बाद इसका भी पेमेंट लिया जा सकता है, यानी कि इन अकाउंट्स को 3 वर्ष बाद क्लोज कर सकते हैं। और इसको भी थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से रखा गया है कि यहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं है। टीडी में 6 मंथ की टाइम है, एमआईएस को 1 साल बाद बंद करवा सकते हैं, केवीपी को 2.5 साल बाद और आरडी को 3 साल बाद। नेक्स्ट जो स्कीम्स हैं थोड़ी सी अलग है, पीपीएफ, एनएससी और एसएससी के केस में। पीपीएफ के केस में अगर किसी अकाउंट को क्लोज करवाना है तो अकाउंट ओपन होने के 5 साल बाद बंद करवा सकते हैं। और उसके लिए एक सिंपल सा केस ये है कि इसको सीवर इलनेस, यानी कि कोई गंभीर बीमारी हो किसी व्यक्ति को, तब बंद करवा सकते हैं। अगर किसी को हायर एजुकेशन या एनआरआई स्टेटस के लिए अपने अकाउंट को क्लोज करवाना है तो इन तीनों कंडीशंस में मैच्योरिटी से पहले और अकाउंट ओपनिंग के 5 साल बाद इस अकाउंट को बंद करवाया जा सकता है। एनएससी अकाउंट को मैच्योरिटी से पहले
इन केस में नहीं किया जाता है, प्रीमेच्योर क्लोजर है वो, इसका परमिटेड नहीं है। और प्रश्न यहाँ से ही भी पूछा जाता है कि आपको चार स्कीम्स के नाम देंगे, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी स्कीम है जिसको प्रीमेच्योर रूप से क्लोज नहीं किया जा सकता है, तो उसका आंसर होता है एनएससी। एनएससी को जनरली प्रीमेच्योर क्लोज नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में जैसे कि डेथ और फॉरफीचर के केस में इसको प्रीमेच्योर रूप से भी क्लोज करवाया जाता है, लेकिन जनरल केसेस में ऐसे प्रीमेच्योर नहीं करते हैं। वही अगर किसी को एसएससी को प्रीमेच्योर करना है तो जब लड़की की एज 18 साल की हो जाएगी, यानी कि जो गर्ल चाइल्ड है वो 18 साल की जब हो जाएगी, तो शादी के ओकेजन पर, शादी के अगर कोई अपने बच्चे की शादी 18 वर्ष के बाद में करना चाहता है तो उस पर्पस से इस अकाउंट को प्रीमेच्योर रूप से क्लोज करवाया जा सकता है। तो ये जो कंडीशंस हैं ये प्रीमेच्योर की हैं, यानी कि मैच्योरिटी से पहले अगर किसी को खाता बंद करवाना है तो ये टाइम लिमिट्स हैं इनकी, और ये टाइम लिमिट पूरा होने के बाद में ही इन खातों को बंद करवाया जा सकता है। तो यहाँ से भी जो प्रश्न है वो पीए एग्ज़ाम, एमटीएस एग्ज़ाम और पोस्टमैन के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट, वेरियस फीसेस, यानी कि किस के लिए क्या फीस है। बेसिकली ये है कि अगर किसी को डुप्लीकेट पासबुक इशू करवानी हो, यानी कि अपनी पासबुक खोने की स्थिति में या गुम होने की स्थिति में या किसी अन्य कारण की वजह से अगर किसी को डुप्लीकेट पासबुक इशू करवानी हो तो उस पर लगता है ₹50 चार्ज, और ये जो चार्जेस है वो टैक्स इनमें इंक्लूड नहीं है, यानी कि ₹50 प्लस 18% जीएसटी चार्ज लगता है एक्चुअल में। और ये जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो वहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो इसी तरीके से भी दिए हुए हैं कि प्रश्न ये पूछा गया था कि इशू ऑफ डुप्लीकेट पासबुक इज़, यानी कि जो फीस है डुप्लीकेट पासबुक को जारी करने की वो क्या है, तो वहाँ पर ऑप्शन था 50, तो वही इसको सिलेक्ट करना था। बेसिकली जो ऑप्शंस हैं वो विदाउट जीएसटी ही दिए हुए होते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ₹50, और एक्चुअल में जो पेमेंट होता है वो होता है ₹59, यानी कि ₹50 प्लस 15 का 80% जीएसटी के रूप में लगता है, तो टोटल जो चार्जेस है वो लगते हैं ₹59। अगर किसी को अपने अकाउंट का स्टेटमेंट लेना है तो ₹20 इसके लिए चार्ज लगता है, और इसमें भी 18% जीएसटी चार्ज लिया जाता है। अगर किसी को पासबुक इशू करनी हो खोने या म्यूचुलेटेड के केस में, तो उस समय ₹10 पर रजिस्ट्रेशन लिया जाता है। अगर किसी को नॉमिनेशन चेंज करवाना हो या कैंसिल करवाना हो तो उसकी जो फीस है वो भी ₹50 है, ₹50 प्लस 18% जीएसटी। अगर किसी को अपना अकाउंट किसी भी पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र करवाना है तो इसके लिए ₹100 चार्ज लिया जाता है, प्लस 18% जीएसटी लिया जाता है। अगर किसी को अपना अकाउंट प्लेस करना है तो उसके लिए जो चार्जेस हैं वो ₹100 लिए जाते हैं, प्लस 18% जीएसटी ली जाती है। और प्रश्न यहाँ से पूछा गया था कि प्लेस ऑफ अकाउंट और ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंट की जो चार्जेस हैं वो क्या हैं, तो इनके लिए जो चार्जेस हैं वो है ₹100 प्लस 18% जीएसटी। अगर किसी को चेकबुक जारी करवानी है सेविंग अकाउंट के केस में, अगर वो पासबुक अगर वो चेकबुक उसमें 10 पेज हैं तो उसके लिए कोई भी फीस नहीं ली जाती है ये कैलेंडर वर्ष में, और अगर 10 पेजेस से ज़्यादा की है अगर वो चेकबुक, तो एक पेज का कितना लिया जाता है, ₹2 पर लीफ लिया जाता है, यानी कि एक चेक का ₹2 एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है। अगर चेकबुक में 10 ही पेज है तो उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, 10 से ज़्यादा अगर उसमें लीफ है या कहें कि चेक है या कहें कि पेजेस हैं तो ₹2 पर चेक लीफ या पर चेक पेज लिया जाता है। और डिसओनर अगर किसी का चेक हो जाता है तो उस केस में जो चार्जेस हैं वो है ₹100 प्लस 18% जीएसटी। तो प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाते हैं, और प्रश्न तो यहाँ से भी पूछे जाते हैं, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट है यहाँ से भी प्रश्न लास्ट ईयर के एग्जाम्स में खूब पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं। और पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट होता है उस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो है 4% की, और वही जो TD है, TD 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल और 5 साल के लिए की जाती है। प्रश्न ये पूछा गया था कि TD निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए नहीं की जाती है, तो वहाँ पर ऑप्शन था 1 वर्ष, 2 वर्ष,
3 वर्ष और 4 वर्ष। तो 4 वर्ष की कोई भी टीडी नहीं की जा सकती है, सिर्फ 3 के बाद में 5 साल की टीडी की जाती है। तो 1 साल की टीडी के लिए इंटरेस्ट रेट है 5.5% का, 2 साल की टीडी के लिए इंटरेस्ट रेट है 5.5% का, 3 साल की टीडी के लिए भी जो इंटरेस्ट रेट है वो भी सेम है, वो है 5.5% का। अगर वही कोई 5 साल के लिए टीडी करवाता है तो उस पर इंटरेस्ट रेट बढ़ के कितना हो जाता है, 6.7% हो जाता है। वहीं जो रेकरिंग डिपॉजिट है 5 साल की जो आरडी होती है उस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो है 5.8% का। तो इसको भी थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में रखा हुआ है, तो आप लोग इसको याद रखने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट जो MIS स्कीम है इस पर इंटरेस्ट रेट है 6.6%, NSC पर इंटरेस्ट रेट है 6.8%, KVP अकाउंट पर जो इंटरेस्ट रेट है वो 6.9%, PPF अकाउंट के लिए इंटरेस्ट रेट 7.1%, वहीं SCSS अकाउंट के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.4%, SSA अकाउंट के लिए इंटरेस्ट रेट है वो 7.6%। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है वो लेटेस्ट है, अगर इसके बाद में अगर कोई लेटेस्ट ऑर्डर आता है तो उसको भी हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। और प्रश्न यहाँ से भी PA एग्ज़ाम, MTS एग्ज़ाम और पोस्टमैन के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, तो इसको भी याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जानते हैं मिसलिनियस टॉपिक्स के बारे में। नॉमिनेशन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, नॉमिनेशन से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया था कि एक खाते में मैक्सिमम कितने नॉमिनेशन करवा सकते हैं। तो जब भी अकाउंट ओपन किया जाएगा तो उस समय पर जो नॉमिनेशन है वो मैंडेटरी है, यानी कि अनिवार्य रूप से खाता खोलने के साथ ही आपको नॉमिनेशन करवाना ही होगा। और मैक्सिमम चार लोगों का नॉमिनेशन किया जा सकता है। अगर किसी को नॉमिनेशन चेंज करवाना हो या कैंसिल करवाना हो तो उस पर कितनी फीस है, उस पर फीस लगती है 50 रुपये प्लस 18% GST। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंट। अगर किसी को अपना अकाउंट किसी भी CBS पोस्ट ऑफिस से दूसरे CBS पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र करना है तो वो पॉसिबल है। वहीं जो PPF अकाउंट है, SSA अकाउंट है, SCSS अकाउंट है, इन्हें पोस्ट ऑफिस से बैंक में ट्रांसफ़र किया जा सकता है और बैंक से पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र किया जा सकता है और पोस्ट ऑफिस से बैंक में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यानी कि PPF के खाते को अगर कोई पोस्ट ऑफिस में अकाउंट किसी का ओपन है, या SSA का अकाउंट किसी का पोस्ट ऑफिस में ओपन है, या SCSS का अकाउंट अगर किसी का पोस्ट ऑफिस में ओपन है तो वो अपने अकाउंट को बैंक में भी लेके जा सकते हैं। वहीं अगर किसी का PPF अकाउंट, SSA अकाउंट और SCSS अकाउंट बैंक में ओपन है तो वो उसको पोस्ट ऑफिस में भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। यानी कि PPF, SSA और SCSS के जो अकाउंट हैं वो बैंक से पोस्ट ऑफिस में और पोस्ट ऑफिस से बैंक में ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। और जो चार्जेस हैं अकाउंट ट्रांसफ़र के वो है 100 रुपये प्लस 18% GST। मैच्योरिटी पेमेंट की बात करते हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। अगर किसी का मैच्योरिटी पेमेंट 20,000 रुपये से कम का है तो उसे बाई कैश भी उनको पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी ने किसी भी स्कीम के तहत अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उनका जो पेमेंट है वो मैच्योरिटी के टाइम पर 20,000 रुपये से कम है तो उसे बाई कैश दिया जा सकता है। अगर किसी का मैच्योरिटी पेमेंट 20,000 रुपये से ज़्यादा है, 20,000 रुपये है या 20,000 रुपये से ज़्यादा है, तो उस केस में क्या करना है कि उनका जो अकाउंट है पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट, वो सारा पैसा वहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। नेक्स्ट इसी नोट पर इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। उम्मीद है यहाँ से कम से कम 2 से 3 प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और आप लोग इन 2 से 3 प्रश्नों को सही ढंग से करके आओगे, ये उम्मीद है। और इसी नोट पर इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।